हेलो फ्रेंड्स, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक हिताची का 42 इंची का टीवी है, 42 इंचिस टीवी, एलसीडी टीवी है, इसे ये डेड हमारे पास आया है, तो इसको ठीक करते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक डेड एलसीडी टीवी है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है, तो ये सब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल कर के हम इस टीवी को ठीक कर रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो को आप देखें और इससे आपको पता चलेगा कि जो डेड एलसीडीज होती है तो उनमें क्या फॉल्ट होते हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इनको ठीक करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। एलसीडी को ठीक करते तो सबसे पहले तो आप इसकी वायर चेक करो कि ये वायर प्रॉपर ओके है या नहीं, चेक करना। ठीक है, ओके। दूसरी वाला ये ओके। सेकंड स्टेप में आप इसका फ्यूज चेक करो, फ्यूज ठीक है या खराब है। ठीक से करो। फ्यूज खराब है तो फ्यूज से फ्यूज एक बार निकालना है, इसको फ्यूज को निकालिए। और दूसरा ना दूसरा लाउड ओपन निकाल। खराब है, नए फ्यूज भी खराब है। वेरी गुड, ये ठीक है। चलो फ्यूज ओके है, अभी कल कॉन्टिन्यूटी चेक करो दोनों की। कॉन्टिन्यूटी आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी फॉल्ट है, इसमें शॉर्टिंग है कहीं पे कुछ, इसलिए ये ऑन नहीं हो रही है। चेक करते हैं कुछ आपने। देखा उड़ गया ना। इस तरीके की जो एलसीडी है ना, डेड एलसीडी, किसी भी तरीके की अगर इस तरीके की शॉर्टिंग हो तो सीरीज बल्ब से हम चेक करेंगे। तो सीरीज लेकर आओ और इसे हम नया फ्यूज लगाना है। फ्यूज लगा के कंटिन्यूटी चेक करो एक बार। देखो न्यूट्रल तो फ्यूज तो ठीक है, अब चेक करना नया फ्यूज लगा दिया है इसमें। न्यूट्रल लाइन में कंटिन्यूटी आ रही है, ये कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये शॉर्ट है। अभी पीछे हमने देखा था कंटिन्यूटी आ रही थी, हमने ऑन करके देखा तो ये फ्यूज उड़ गया था, फिर से उड़ गया था। ठीक है ना, क्योंकि फ्यूज उड़ता ही तभी है जब ज्यादातर फ्यूज उड़ने का कारण ये रहता है कि सप्लाई में कहीं शॉर्टिंग है, हल्की शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है। ठीक है, तो जब भी ऐसी पावर सप्लाई आपको ठीक करनी हो तो आप ना ये सीरीज का इस्तेमाल करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा उसमें। तो ये देखो, ये फुल शॉर्ट है ना, ये बल्ब नहीं जलना चाहिए, इसमें शॉर्टिंग है। जब इसकी शॉर्टिंग हट जाएगी ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बल्ब नहीं लगाते तो इस बार भी ये फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, तो अब आपने इसको चेक करना है कि रास्ते में शॉर्ट क्या है इसका। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। खोलिए, खोलना पड़ेगा सबसे पहले, इसको खोलोगे आप मशीन से कर। इसमें मोस्टर खुला, इसमें कैपेसिटर खुला भी हुआ है, लेकिन ये सेकेंडरी में है और मेन फर्स्ट में क्या है कि इसमें शॉर्टिंग है। और इसका सबसे पहले हम ये ब्रिज डायोड हटाकर देखेंगे। तो ब्रिज डायोड यहाँ पर फेज इसमें लगा हुआ है,
ये पेच लगा हुआ है, तो इस पेच को खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो इसको हम क्या करेंगे अभी, यहाँ से इसकी सप्लाई काटते हैं। सप्लाई काटने से हमें पता चल जाएगा कि ब्रिज डायोड में फॉल्ट है या फिर कहीं और फॉल्ट है, ठीक है जी। अगर जो सप्लाई काटने पर हमें मिलता है कि हाँ ब्रिज डायोड में ही फॉल्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रिज डायोड को यहाँ से तोड़कर ही निकाल लेंगे। उसके बाद अगर इसमें हमें फॉल्ट नहीं मिलता है तो इस सप्लाई को हम फिर जोड़ देंगे वापस, इससे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि मैं कटर से इस सप्लाई को काट देता हूँ, दोनों सप्लाई कट गई हैं। अब चेक करना, कंटिन्यूटी कोई नहीं दे रहा कंटिन्यूटी। हाँ मतलब शॉर्टिंग आगे है, हम इससे चेक हो गया है, हमने इस ब्रिज डायोड की सप्लाई काट दी थी। अगर हम इसे हटा देते, हटा कर चेक करते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इसको चेक करने में। तो अभी हमने इसकी सप्लाई काट कर चेक कर लिया, ब्रिज डायोड ओके है, यानी ये जो मेन फर्स्ट सेक्शन है इसमें शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग है आगे। तो हम आगे हम देखेंगे कि ये फॉल्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ की शॉप में ये शॉर्टिंग है। तो अब हम इस जहाँ पर भी ये सप्लाई जा रही है ब्रिज डायोड की, वहाँ के जो कंपोनेंट है हम हटा कर चेक करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टिंग हमें मिल जाएगी, हम वही पार्ट्स दूसरा लगा कर और ये फिर सप्लाई हम वापस इसमें जोड़ देंगे, ठीक है जी। यहाँ से काट लिए, चेक कर आगे, चेक करिए आगे, इसको पेज को खोलेंगे थोड़ा टाइम। ये इस हीट सिंक के नीचे एक मॉस्फेट लगा हुआ है, ये मॉस्फेट शायद लगा हुआ है, ये मॉस्फेट लगा हुआ है। तो इसकी जो ये दो पिने हैं ये आपस में शॉर्ट है, डेंट और शॉर्ट आपस में, ये कॉपर में शॉर्ट है। चेक करना, शॉर्ट है। और इस SMPS की शॉर्टिंग हटाने के लिए ये MOSFET को हम बाहर निकाल कर देखेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे बाहर निकाल के। सप्लाई को काट कर भी देखा जा सकता है, बाद में वो भी जोड़ देंगे, इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सप्लाई हमने काट दी है MOSFET में जाने वाले, अगर ये MOSFET ही शॉर्ट रहा होगा तो ये सप्लाई काटने से यहाँ की शॉर्टिंग हट जाएगी। छोटी है, अब ये देखो कि ये अपनी छोटी हटी है नहीं हटी, हट गई, ठीक है जी। मतलब MOSFET की सप्लाई काटने से, MOSFET की जैसे हमने सप्लाई काटी है, तो हमारी जो मेन यहाँ कर पे जो ये ब्रिज डायोड शॉर्ट दिखा रहा था वो अब नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, MOSFET को बाहर निकाल कर अब हम आराम से चेक कर लेंगे कि हाँ सर में ये खराब है। तो अब इस MOSFET को बाहर निकाल, MOSFET को बाहर निकालने के लिए ना डीसोल्ड वायर का इस्तेमाल आप कर लेना, उससे जितना भी फालतू सोल्डर नहीं आएगा तो डीसोल्ड वायर में आ जाएगा, या फिर वो पंप होता है ना सोल्डिंग के पीछे का, MOSFET हमने इसमें से काला है। अब इसे चेक करते हैं, चेक करना,
आप देख रहे हैं ये जो मॉस्फेट है ये शॉर्ट है, यहाँ पर लगाना था इसमें लगातार बीप के बाद सुन रहे होंगे ठीक, तो ये शॉर्ट है, ये मॉस्फेट हमें इसमें चेंज करना है, उसके बाद हम चेक करेंगे इसे। कल हमने हिताची का जो एलसीडी टीवी है उसका एसएमपीएस चेक किया था, तो कल चेक करते हुए हमने देखा कि इसमें एक ये जो मॉस्फेट है ये ख़राब था, शॉर्ट निकला था, तो कल तो ये था नहीं हमारे पास, तो हमने इसको नए मंगवाया है मार्केट से, और इसके हटाने से जो इस एसएमपीएस में शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग इसकी ठीक हो गई है। तो अब जैसे कि हमने ये नया मॉस्फेट मंगाया है, तो अब ये मॉस्फेट का सेम नंबर है K2698, तो ये शॉर्ट है और ये नया है जो हमने मंगाया है, तो इस न्यू को अब आज हम इसमें लगाएंगे और इस SMPS को ओके करेंगे, तो मैं आपको एक बार फिर से चेक करा देता हूँ। पकड़ना देखो, हमने इसको चेक किया तो इसकी पिनें शॉर्ट है, पिने शॉर्ट है, और जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ ये जो हम नया लगा के लेके आए तो ये शॉर्ट नहीं है और ये ओके है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी लगाते हैं इसको, देखते हैं कि SMPS ओके होता है या नहीं होता है। तो अभी यहाँ से ना लगाकर इसको हम इसके बैक साइड से लगाकर चेक कर लेंगे। ये MOSFET हमने लगा दिया है, ये सिर्फ अभी चेकिंग के लिए लगाया है इसको, अभी हम लगाने के बाद, क्योंकि जो पुराना MOSFET था वो शॉर्ट था, तो उसके बदले में हमने इसको लगाकर अभी फिलहाल चेकिंग के लिए इस साइड से लगाया है, बाद में हम चेक करने के बाद इसको वापस अपनी जगह पर लगा देंगे जहाँ पे इसको असल में लगाना हो, जहाँ पर ये पहले लगा हुआ था। तो अभी चेक करते हैं कि वो बना है नहीं बना इसको लगाने के बाद। SMPS को ऑन करने के बाद हमें इस पॉइंट पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ये माइनस में लगा दीजिए, माइनस में 5 वोल्ट, अब ये 5 वोल्ट अब मिलने लगा है। मतलब ये हमारा SMPS ओके हो गया, अब हम इसे LCD में फिट करेंगे। ठीक है, इसको LCD में फिट करना है, और पहले इस MOSFET को उसकी बैक साइड में लगा देते हैं। ठीक है, तो फिट कर दिया है आपने। हेलो, ठीक है, तो चेक करें इसे, चेक करते हैं। गया था अभी लमसम 12 बजे, साढ़े बारह बजे। ये हाँ बात हुई थी, ये लाइट आ गई है यहाँ पर ब्लू, और वो सर जी, तो ठीक है, मिशन सक्सेसफुल। ओके चलो जी, अब इसको पैक कर दो और कस्टमर को कॉल करते हैं।